ऐसे क्लिक कोई सा ही फ़ॉन्ट चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, सर्च में जाके सर्च करो, ये फ़ॉन्ट आपके सामने लिस्ट में आ जाएगा। इसको हमें अपने पेज पे लगाना है, क्लिक करो उसके ऊपर, ये इसके ऑप्शन आ जाएंगे, उसके बारे में दिखा रहा है। देन यहाँ पे हमने क्लिक किया सेलेक्ट दिस फॉन्ट, ये लिस्ट में इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। अब जैसे हमने इसको कर लिया, अब जैसे ये हमारे पास फॉन्ट है, ये दिखा रहा है कि इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये एक फाइल लगाओ, देन उसके बाद ये नाम कॉल करो, तो करके देखते हैं। बस एक फाइल बना ली ऑनलाइन फॉन्ट नाम से, डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव कर दिया। यहाँ पे लिख दे कि यूज़ फॉन्ट ऑनलाइन, और यहाँ पे अब वर्क करेंगे। सबसे तो पहले ये ऑनलाइन वाली फाइल अटैच कर दी। जैसे हमारे पास ये H1 है, हेलो वर्ल्ड, इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट ये आ रहा है हेलो वर्ल्ड। इसी के ऊपर ये फॉन्ट फाइल अप्लाई करते हैं। तो तरीके आपके हैं, स्टेटस कैसे अप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ कर लिया, स्टाइल टैग का यूज़ करके यहाँ पे लिखा कि H1 हमारे पास है, H1 के ऊपर हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के रखा है कि कैसे यूज़ करना है, ये वाली फाइल अप्लाई करनी होगी कोड। अब इस कोड का क्या काम है, फॉन्ट फैमिली, ये फॉन्ट अप्लाई करेगा इस H1 के ऊपर। अगर ये फॉन्ट अप्लाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अप्लाई कर देगा। तभी देखते हैं इसका अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपकी स्टाइल दिख रही है ये चेंज हो के आएगी, चेंज हो गई, ये फॉन्ट फाइल अप्लाई हो रही है। अब जब भी नेट होगा तभी ये काम करेगा। ऑफलाइन काम करवाने के लिए हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम एक फॉन्ट और सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमें अपने थीम में यूज़ करना है, लोटो नाम है उसका, नाम में लाटो है। इसको हमें सीधे प्लस पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएगा। लिखा होगा कि टू फैमिली सेलेक्ट, मतलब टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे सीधे ये डाउनलोड होने का जिप फाइल आ जाएगी। ये आ गई, सेव, सेव हो रही है फाइल। ओपन द फोल्डर, एक्सट्रैक्ट द फाइल, तो फोन नाम से फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके अंदर जाएंगे तो हमें वही दो फोल्डर मिलेंगे जिसको हमने कॉपी किया था, एक लैटो है और एक ये वाली फाइल है। इनकी अलग अलग बोल्ड इटैलिक सारी फाइलें मिलेंगी जो भी आपको यूज़ करना है। तो हमने ये फोल्डर पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी करके अपने फोल्डर पे गए, वेब फोल्डर के अंदर इसे पेस्ट कर दिया। अब इसे हमें इसे यूज़ करना है, वेब फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। अब जैसे इसे हमें यूज़ करना है, जैसे सपोज हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, एक एक करके हमें सारी फाइलें अटैच करनी होंगी। इस फाइलों को हम कहते हैं ऑफलाइन बना लेते हैं, ऑफ लाइन फॉन्ट डॉट एच टी एम एल। जैसे कि इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं कोड, एट फॉन्ट फेस, ये कोड होता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे कोई एक नाम लिखा, सपोज हम यहाँ पे नाम लिखेंगे उसके पहले आते हैं src कोलन url ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद सिंगल क्यूटो डबल क्यूटो, और यहाँ पे फाइल का नाम, सपोज का नाम है मोनेटाइज ब्लैक। इस नाम से अगर हम क्लॉक कॉल करें, गे ये नाम, इस नाम से हम कॉल करेंगे तो ये फाइल कॉल में आएगी। और ये फाइल कहाँ पे है, ये हमारी HTML की फाइल है। HTML की फाइल कहाँ पर है, HTML की फाइल ये रही, नहीं, ये भी नहीं, थोड़ा सा डीप है, हमने इस फोल्डर के अंदर कॉपी कर दिया है इसको। तो HTML की फाइल ये रही जिस पे लगाना है फॉन्ट, और जो फॉन्ट की फाइल है
वो इस फोल्डर के अंदर है। तो इससे बोला कि पहले इस फोल्डर के अंदर जाओ ये, फिर बोला कि उसके अंदर वेब फॉन्ट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाओ। तो जहाँ पे भी लोकेशन है फॉन्ट की हमें बताना होगा, और इसके अंदर चेक करो, इस नाम से फाइल मिल जाएगी। ये फाइल फिर आप इस H1 के ऊपर लगा दो। इसको रन करते हैं, ये आ रहा है। अब आउटपुट में अंतर है कि नहीं है वो चेक करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि हम इसे गलत नाम दे देते हैं। अभी चेक करते हैं, हमने एक कोड रखा है कि कौन सी फाइल अप्लाई हो रही है। रिफ्रेश, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, फॉन्ट। तो यहाँ पे इसके ऊपर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते इसके ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पे एरो पे क्लिक करो तो दिखाएगा कौन सा फॉन्ट अप्लाई हो रहा है। तो फॉन्ट यूज़ दिखा रहा है ये, और हमने इसके ऊपर लगा के रखा है ये फॉन्ट। ये फॉन्ट शायद अप्लाई नहीं हो रहा होगा। कंट्रोल यू, जहाँ से फाइल रन हो रही है उसके अंदर ये फाइल है, चेक करते हैं। फाइल नॉट फाउंड आ रहा है इस केस में। तो फाइल नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि एक फोल्डर और है उसके अंदर ये फाइल है। तो अगर हम यहाँ पे वही नाम लिखते हैं, फाइल मिल जाएगी इसे। तो ये नाम हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, और इसको रन करके देखा। ये चेंज हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके फॉन्ट में जाते हैं, कौन सा फॉन्ट अप्लाई हो रहा है दिखा रहा है, ये वाला फॉन्ट अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं।